तो बच्चों पाठ चार, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। तंदुरुस्ती हजार नियामत है मीन्स हेल्थ इज वेल्थ। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के नवयुवकों को बलवान बनना चाहिए। मेरे नवयुवक मित्रों, बलवान बनो, तुमको मेरी यही सलाह है। तुम्हारी कलाई और भुजाएं अधिक मजबूत होने पर तुम गीता को अच्छी तरह समझ सकोगे। हमारा यह शरीर सब प्रकार के कर्तव्य पालन का प्रथम साधन है। मानव जीवन की सफलता की आधारशिला व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है। अस्वस्थ अथवा दुर्लभ व्यक्ति न अपना कल्याण कर सकता है, न अपने परिवार का, न अपने समाज का और न ही अपने देश का। इसलिए स्वास्थ्य को धन कहकर संबोधित किया गया है। स्वास्थ्य को क्या कहकर संबोधित किया गया है? धन कहकर संबोधित किया गया है। सब कार्य शरीर से ही होते हैं, अतः अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसी के मन में श्रेष्ठ विचार भी आते हैं। किसी ने सच ही कहा है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। क्या कहा है? तंदुरुस्ती हजार नियामत है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हमें गहरी नींद आती है। क्या होता है? जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें गहरी नींद आती है। हमारा हर क्षण जो हर पल होता है वो उत्साहित होता है और उल्लास से भरा होता है। ठीक है। समय पर भूख लगती है, काम करने को जी चाहता है। सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। हमारी आयु के अनुसार हमारे शरीर का विकास होता है। परंतु यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हंसी हमसे कोसों दूर भागती है। हमारा मन अनेक प्रकार की चिंताओं से भरा रहता है। ना तो हमें गहरी नींद आती है और ना ही समय पर भूख लगती है। क्या क्या होता है जब हम अस्वस्थ होते हैं, मतलब रोगी जिसको कहते हैं, जिसको कोई शरीर में रोग होता है उसको रोगी कहते हैं, अस्वस्थ कहते हैं, तो ये कंडीशन हो जाता है। ठीक है। काम करने को जी नहीं चाहता। सुबह उठने पर आलस और उदासी छाई रहती है तथा हमारे शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति के चेहरे पर पीलापन रहता है तथा वह सदा बुझा बुझा सा रहता है। कैसा रहता है? बुझा बुझा सा। किसी ने ठीक ही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। क्या कहा है? पहला सुख निरोगी काया। जो व्यक्ति रोगी है, निर्लभ है, अस्वस्थ है, निर्बल है, अस्वस्थ है, वह कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति फोर्ड से एक बार उनके एक मित्र ने कहा, तुम बहुत सुखी व्यक्ति हो। फोर्ड ने अपने मित्र को उत्तर दिया, मित्र मैं सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। क्या कहा? मैं सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। उन्होंने उसके लिए कौन सा कारण दिया, क्या बताया क्यों नहीं सुखी व्यक्ति हूँ, वो आप आगे किताब जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता रहेगा। ठीक है। तो आपको पूरा पूरा देखना, पूरा पढ़ना होता है, पूरी किताब पढ़नी होती है। जब आप एक पार्ट पूरा पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है। यदि तुम सुखी नहीं हो तो शायद किसी को भी सुखी नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि शायद ही किसी के पास हो। इतने कारखाने, कर्मचारी, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? उनके मित्र ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो बहुत अमीर है ना फोर्ड, तो इसलिए मित्र ने उनसे पूछा। मेरे पास संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है, फोर्ड ने कहा। उनका मित्र उनकी बात का आशय ना समझ सका। हाँ, जो लोग मेरे कारखाने में काम करते हैं उनमें से अधिकांश के पास वह वस्तु है जिसे देखकर कभी कभी तो मुझे इनसे उनसे ईर्ष्या होने लगती है। क्या तुम देखना चाहोगे? क्यों नहीं, अवश्य। मित्र ने क्या कहा? क्यों नहीं, अवश्य।
देखो ये लोग काम कर रहे हैं कारखाने में, ये देखो वहाँ कटिंग का काम कर रहा है, प्रिंटिंग में, ये देखो लोहार है देखो काम कर रहा है, और ये ग्रिल मशीन से देखो गुफा में काम कर रहा है, सुरंग बनाने का काम कर रहा है। देखो सब कारीगर लोग हैं, काम जो करता है वही स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब आगे की किताब हम पढ़ते हैं। तभी दोपहर के खाने का समय हुआ। फोर्ड के कारखाने से हजारों मजदूर खाना खाने बाहर निकले, खाना खाने के लिए बने वे अपने अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खाने लगे। फोर्ड ने अपने मित्र से कहा, उन्हें देखते हो कितने आनंद से कितनी मस्ती से खाना खा रहे हैं, उनके पास संसार की सबसे कीमती वस्तु है। फोर्ड के मित्र को कुछ समझ नहीं आया। मित्र, अच्छा स्वास्थ्य ही संसार की सबसे कीमती वस्तु, देखते नहीं वे कितने स्वस्थ हैं। और मैं कहते कहते वे रुक गए। मैं भी उन जैसा चुस्त फुर्तीला तथा हंसमुख व्यक्ति बनना चाहता हूँ, परंतु मेरे, क्या कहा उन्होंने, उनके जैसा बनना चाहता हूँ परंतु मेरे पास उन जैसा स्वास्थ्य नहीं है। क्या कहा, मेरे पास उन जैसा स्वास्थ्य नहीं है। जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं होता वह धनी होते भी निर्धन होता है, धनी होते भी निर्धन होता है। अगर उसके पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं होता, मीन्स अगर वो बीमार रहता है तो वो उसके पास चाहे जितने भी पैसे हों, अगर किसी को शुगर है वो चाहे जितने भी पैसे हों वो मिठाई नहीं खा सकता। खा सकता है? नहीं खा सकता है। गांधी जी ने एक बार विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था, यह शरीर भगवान का मंदिर है, इससे स्वस्थ रखना हमारा धर्म है। समझे कुछ? एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? बेटा देवता के आने से पहले उठ, देवता का समय पर भोग लगा और देवता को साफ सुथरा रख, तेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। व्यक्ति महात्मा जी की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा और बोला, महाराज मैं कुछ समझा नहीं, कृपया अपनी बात का आशय समझाइए। महात्मा जी बोले, सूर्य देवता है, उनके उदय होने से पूर्व उठ, अन्य देवता है उसका भोग समय पर कर, शरीर भी देवता है इसकी सफाई का ध्यान रखो। महात्मा जी ने कितनी अच्छी तरीके से समझाया, कितनी अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करना, बहुत जल्दी उठना है और बहुत जल्दी जल्दी सो भी जाना है। सूर्योदय से पूर्व उठना, नियमित रूप से खुली हवा में सैर करना और व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक, इससे पूरे दिन व्यक्ति चुस्त एवं फुर्तीला रहता है। अधिक देर तक सोने वाला व्यक्ति अपना स्वास्थ्य भी खो देता है। गांधी जी के मन में गाया करते थे, गांधी जी अपने मन में क्या गाया करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं वो कोवत हैं और जो जागत हैं वो पावत हैं। ये गांधी जी गाते रहते थे। हमें भोजन के बारे में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। प्रायः हम दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसका स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। हमें नियमित समय पर ही भोजन करना चाहिए। हमारा भोजन नियमित समय पर ही होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? संतुलित हो तथा उसमें घी तेल आदि अधिक ना हो। भोजन नियमित समय पर हो, संतुलित हो और उसमें घी तेल अधिक ना हो। उसमें भोजन के सभी तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण तथा विटामिन उचित मात्रा में होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो शरीर के लिए आवश्यक हैं वो उचित मात्रा में होने चाहिए। दुर्भाग्य से आजकल स्वाद के लिए भोजन में मिर्च मसालों आदि का खुलकर प्रयोग किया जाता है, खुलकर मतलब बहुत अधिक मात्रा में, तथा घी तेल चिकनाई आदि का अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, जिससे हमारा शरीर बेढोल हो जाता है। अधिक मात्रा में चिकनाई, मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा आदि से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय रोग जैसी भयंकर व्याधियाँ आ सकती हैं। भोजन को खूब चबाकर खाना चाहिए। ध्यान रखिए, देखो स्कूल में जब खाना मिले तो आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, खूब चबा चबा करो। घर में भी जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। क्या है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। शरीर की स्वस्थता भी आवश्यक होती है। दिन भर तरह तरह के काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाता है। हमारे शरीर में अनेक रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तथा पसीना खुलकर नहीं निकलता। यदि रोम छिद्र रुके रहें तो शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती तथा तरह तरह के रोग हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हमें रोज स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। ठीक है,
शरीर रूपी देवता को प्रसन्न रखने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम, योगासन आदि भी करने चाहिए। इससे शरीर में स्वस्थ रक्त का संचार होता है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का संवर्धन होता है, मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, आलस्य दूर होता है तथा मन प्रसन्न रहता है। क्या है? व्यायाम करने से, इतना व्यायाम से अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 2 किलोमीटर तो दौड़ते, सुबह सुबह दौड़ तो जरूर जरूर जाया करें। ठीक, सुबह सुबह 2 किलोमीटर दौड़ाएँ, इससे वही व्यायाम आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु का सेवन, पानी की शुद्धता, घर तथा उसके आसपास की स्वच्छता भी आवश्यक है। सिर्फ खुद का शरीर नहीं, इधर उधर भी सफाई आवश्यक होती है। दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए युवावस्था में अनेक विद्यार्थियों का चश्मा लग जाता है, उनकी कमर झुक जाती है तथा शरीर का विकास रुक जाता है। अच्छा स्वास्थ्य न होने का ही परिणाम है कि इस विशाल देश में जहां अर्जुन जैसे योद्धा हुए थे, आज तक भी ओलंपिक खेलों में एक भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया गया। इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है कि छोटे छोटे देश खेल कूद में हमसे कितने आगे निकल चुके हैं। हॉकी जो कभी हमारा सर्वाधिक प्रिय राष्ट्रीय खेल था, पर हमारा आधिपत्य नहीं रहा और हम लगातार हारते चले आ रहे हैं। कुश्ती से भारतीय खेलों में आज हमारी हालत अत्यंत निंदनीय है। ये किताब में लिखा है, लेकिन ये किताब ओल्ड भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप लोगों को इसका मतलब यही है कि आप लोगों को कहने का आशय यही है कि जब आप फिट होंगे तो हर एक फील्ड में आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, जिन बातों से शरीर की शक्ति घटती है उन्हें छोड़ दीजिए। अधिक खाना, अधिक सोना, नियमित दिनचर्या का पालन ना करना, इन सबसे शरीर के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इन्हें त्यागिए, अपने शरीर को पुष्ट बनाइए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, खेल कूदों में भाग लीजिए और अंतिम बात, प्रसन्नचित रहिए, खूब ठहाका मारकर हंसिए, चिंता और क्रोध इन दोनों से दूर रहिए, आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा क्या मिलती है? हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा व्यायाम करना चाहिए।